नमस्कार, आप देख रहे हैं इकोनॉमी का हिसाब किताब और मैं हूं अनिंद्य चक्रवर्ती। दोस्तों, आज जो हमारी इकोनॉमी का खस्ता हाल है वो सिर्फ कोविड के चलते नहीं हुआ। हाँ, कोविड ने और भी बुरा जरूर किया है, लेकिन पिछले 2-3 सालों से ऐसा हाल चल रहा है। 2019 में 2 साल पहले एनडीटीवी पर रवीश कुमार के शो पर मैंने कहा था, अगर हमें इकोनॉमी की जो गाड़ी है उसको वापस पटरी पर लाकर तेजी से आगे बढ़ाना है तो सरकार को चाहिए नोट छपवाइए और लोगों के हाथ में दीजिए, उनको कहिए कि आप खर्चा कीजिए और फिर इकोनॉमी धीरे धीरे वापस आ जाएगी और तेजी से आगे बढ़ने लगेगी। उसके तुरंत बाद अगले दिन मुझे सोशल मीडिया पर बहुत गालियाँ पड़ी, यहाँ तक कि एक दक्षिणपंथी वेबसाइट है ऑफ इंडिया, उन्होंने तो हम पर एक स्टोरी कर डाला कि ये क्या बक रहा है ये अनिंद्य चक्रवर्ती, देखो इसको कुछ नहीं आता, इसको अर्थशास्त्र नहीं आता। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप नोट छापेंगे तो एक ही चीज़ होगा, मुद्रा जो इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं, चीज़ों के दाम बढ़ते जाएंगे, महंगाई दर बढ़ेगी और कोई कुछ नहीं होगा। अगर नोट छापने से ही लोग अमीर हो जाते तो खैर हर एक देश नोट छाप देता। खैर उस टाइम पे मुझे गाली ज़रूर पड़ी, लेकिन आज आप देखेंगे तो पिछले एक महीने में बहुत बड़े बड़े नामचीन दिग्गज लोग भी कह रहे हैं कि अब नोट छापना जरूरी है, नोट छाप दो, नोट छाप के लोगों के हाथ में दो। कौन कौन कह रहा है? प्रमोद भसीन, नेस्कॉम के पूर्व अध्यक्ष थे, जेनपैक के हेड रह चुके हैं, उदय कोटक, कोटक महिंद्रा बैंक के MD, उसके बाद अभिजीत बैनर्जी, इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज जीत चुके हैं, और अब कुछ दिन पहले पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने भी यही कहा है, नोट छापिए, लोगों के हाथ में दीजिए ताकि वो खर्च करे, और जब वो खर्च करेगा तो विकास दर फिर से आगे बढ़ेगी और इकोनॉमी ऊपर जाएगी। ये कैसे हो सकता है? हाँ, क्या नोट छापने से सिर्फ महंगाई बढ़ती है या महंगाई ना बढ़ के महंगाई दर कम होती है? इसी का हिसाब लगाएंगे आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, कहा जाता है कि आप देखिए कि किसी भी इकोनॉमी में, हाँ कोई भी इकोनॉमी हो, है ना, अगर उसमें 10 फैक्ट्रियां हैं तो वो 10 फैक्ट्रियां 100 चीज़ें बना सकती है। अगर आप नोट छाप के लोगों के हाथ में दे देंगे, फैक्ट्रियां तो वही 100 चीज़ें बनाएंगी, लेकिन पूरे अर्थशास्त्र में, आर्थिक व्यवस्था में क्या होगा? लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा हो जाएगा। अगर वो 100 चीज़ के पीछे पहले 1000 रुपये खरीदने के लिए 1000 रुपये थे इकोनॉमी में, अगर आपने नोट छाप के उसको 1200 कर दिया तो एक ही चीज़ होगा, जो 10 रुपये का माल था वो 12 रुपये का हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। यही कहते हैं अर्थशास्त्री। खैर, ये तभी होता है अगर सारी फैक्ट्रियां फुल कैपेसिटी में काम कर रही हैं, यानी कि फैक्ट्री में अगर 10 मशीन हो, 10 के 10 मशीन हर एक शिफ्ट में काम कर रही हो। लेकिन क्या अभी ऐसा हो रहा है? जी नहीं। आप अगर मार्च क्वार्टर, यानी जनवरी से मार्च का अगर डेटा ले लें आरबीआई का, तो हमें पता है कि हमारे देश में इस वक्त अगर 100 मशीन चल रहे हैं तो उनमें से सिर्फ 65-66 चल रहे हैं, यानी कि 33 से 35 मशीन ऐसे हैं जो बंद हैं, जिनको यूज़ किया जा सकता है लेकिन यूज़ किया नहीं जा रहा है। इसका कारण क्या? और ये डेटा लॉकडाउन से पहले का है, याद रखिए, सेकेंड वेव से पहले का डेटा है। क्यों? क्योंकि खरीदार नहीं है हमारे मार्केट में। अगर 100 मशीन में पूरे मशीन चलाकर, सारे शिफ्ट चलाकर 1000 चीज़ें बनाए जाए और भारत में सिर्फ 800 चीज़ें खरीदने के लोग हैं, तो फिर मशीन चलाने का फ़ायदा नहीं है ना। 200 फालतू बन रह जाएंगे, स्टॉक में बैठ जाएंगे, तो अगले साल आपको नहीं चलाना पड़ेगा मशीन। तो इसीलिए मशीन कम रेट पे चल रहे हैं, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हमारे फैक्ट्रियों का कम है। अब ऐसे में क्या है कि अगर आप लोगों के हाथ में पैसे दे दें तो क्या इसका मतलब है दाम बढ़ जाएंगे? जी नहीं। आप एक चीज़ सोच के देखिए कि अगर आपके पास एक फैक्ट्री है, आप एक फैक्ट्री के मालिक हैं और वो फैक्ट्री सूटकेस बनाता है, आपके पास सूटकेस बनाने का मशीन है, आपने एक फैक्ट्री खोल रखा है, उसका लैंड है, मशीन आपने जो लगाया था वो वही का वही है, वो खर्चा तो आपका है ही, चाहे आप 100 सूटकेस बनाए या आप 10 सूटकेस बनाएं। जो लैंड आपने खरीदा है वो लैंड का खर्चा तो वैसा का वैसा ही है, चाहे आप 100 सूटकेस बनाएं, 10 सूटकेस बनाएं। आपके टॉप मैनेजर जो हैं उनकी सैलरी तो वही का वही है। कम सूटकेस बनाए तो ये नहीं कह सकते आपकी आज से आपकी सैलरी आधी हो गई। हो जाता है, लेकिन टाइम लगता है। खैर, इसमें क्या हो गया? आप सोचिए कि अगर आपके फैक्ट्री में 10 मशीन हैं जो 100 सूटकेस बना सकते हैं और मशीन और लैंड का खर्चा आपका 1000 रुपये है, तो प्रति सूटकेस आपका खर्चा कितना हुआ? 10 रुपये। अब आपने कच्चा माल खरीदा है, प्लास्टिक है, थोड़ा बहुत स्टील है, सब कुछ खरीदा है, और आप मजदूरी देते हैं, जो कामगार हैं आपके फैक्ट्री में उनको आप जो मजदूरी देते हैं, और कच्चा माल का टोटल खर्चा 20 रुपये प्रति सूटकेस का। तो आपका टोटल खर्चा कितना बैठ रहा है प्रति सूटकेस का? 30 रुपये। 10 रुपये का फिक्स्ड कॉस्ट जो आप बदल नहीं सकते, वो मशीन का खर्चा है और लैंड का खर्चा है, और 20 रुपये जिसको आप वेरिएबल कॉस्ट कह सकते हैं, जिसमें आप मजदूरी दे रहे हैं और साथ में कच्चे माल का भी पैसा दे रहे हैं। अब आप सोचिए कि मार्केट में सूटकेस के खरीदार आधे हो गए हैं। अब क्या हो रहा है कि आप 100 सूटकेस बनाएंगे तो आप बेच नहीं सकते। हाँ, तो आपने क्या किया, 100 सूटकेस के जगह अब आप बना रहे हैं 50 सूटकेस। लेकिन आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है, मशीन का खर्चा है और लैंड का खर्चा है, वो वही का वही 10,000 रुपये है। अगर आप 50 सूटकेस बना रहे हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट प्रति सूटकेस आपका 20 रुपये हो गया। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जहां पे आपका लेबर का खर्चा है और कच्चे माल का खर्चा है, वो भी 20 है। अब आपका खर्चा 40 रुपये हो गया प्रति सूटकेस। याद रखिए, पहले जब आप पूरे सारे मशीन चला रहे थे, आपका खर्चा प्रति सूटकेस 30 रुपये था, अब आपका 40 रुपये। पहले अगर आप मार्केट में यही सूटकेस 40 रुपये में बेच रहे थे तो क्या हो रहा था, आपका फायदा, आपका मुनाफा, प्रॉफिट 10 रुपये प्रति सूटकेस। वही चीज जब आप अब जाकर 40 रुपये में बेचने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, मुनाफा 0। 40 तो आपका खर्चा हो गया ना, 0 आपका मुनाफा है। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि कोई फायदा ही नहीं है, फैक्ट्री बंद करके घर पे बैठो। कौन बिना मुनाफा के फैक्ट्री चलाएगा? आप सोचेंगे चलो कोई बात नहीं, मैं 40 रुपये वाला ना, ये जो 50 लोग हैं, 50 लोग जो हैं ये 42 रुपये पे खरीद लेंगे, बाकी 50 जो पहले खरीदे थे वो आज गरीब हो गए, वो तो खरीदने वाले हैं नहीं, तो 42 रुपये में मैं बेच रहा हूँ, तो आपका 2 रुपये का फायदा हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब क्या है कि जब लोगों के हाथ में पैसे नहीं है, खरीदार नहीं है, तो खर्चा बढ़ जाता है, दाम भी बढ़ जाते हैं। अब सरकार नोट छापकर लोगों के हाथ में दे दी। अब आपके 100 खरीदार फिर से आ गए। अब क्या हुआ, आपका खर्चा फिर से वापस 30 रुपये पे चला गया। क्यों? क्योंकि आपका फिक्स्ड कॉस्ट जो 1000 रुपये था, उसको फिर से 100 से डिवाइड कीजिए, 10 रुपये हो गया। आपका वेरिएबल कॉस्ट यानी कच्चा माल और मजदूरी का खर्चा 20 रुपये, 30 रुपये वापस आ गया 40 से। अब आप जाकर इसको अगर आप 38 रुपये में भी बेचेंगे, या चलिए 40 रुपये में भी बेचेंगे, 2 रुपये कम, फिर भी आपका मुनाफा 5 गुना हो गया। आपका मुनाफा 2 रुपये से 10 रुपये मुनाफा आपका हो गया। लेकिन जो फाइनल प्राइस उपभोक्ता दे रहा है वो 42 रुपये से गिरकर 40 रुपये पे आ गया है। यानी नोट छापकर लोगों के हाथ में देकर अगर कुल डिमांड, मांग मार्केट में बढ़ जाए तो फिर खर्चा कम हो जाता है और दाम भी घटते हैं। और इसका साथ में एक और चीज होता है, पहले आप 50 सूटकेस बना रहे थे, अब आप 100 सूटकेस बना रहे हैं, यानी कि कुल उत्पादन डबल हो गया है। डबल उत्पादन होना मतलब आपकी जीडीपी लगभग डबल हो गई है। याद रखिए, यानी पूरे अर्थव्यवस्था में अगर ऐसा ही हाल चला तो अगर आप नोट छापकर मांग बढ़ाएंगे तो जीडीपी की बढ़त होगी और चीज़ें सस्ते भी होंगे। तो इसीलिए नोट छापना ज़रूरी है। लेकिन आप देखिए कि क्या सरकार ऐसे बातें सुनती है? मुझे लगता है ये बातें सरकार सुनती है। हमें तो पता चल रहा है कि पहली तिमाही जो है सरकार ने, उसमें अप्रैल में सरकारी खर्चा घट गया है। सरकार ने पिछले साल की तुलना में कम खर्चा किया है अप्रैल 2021 में, जो कि पहला महीना है 2021-22 जो फिस्कल ईयर कहते हैं, हम वित्तीय साल कहते हैं, उसका पहला महीना। उसमें सरकार ने खर्चा घटा दिया, खर्चा बढ़ाने के जगह तो खर्चा घटा दिया। नोट छापकर वैक्सीन देना, लोगों के हाथ में देना ताकि वो चीज़ें खरीदे, ये ज़रूरी है। ये सरकार करेगी या नहीं ये तो सरकार ही जानती है, लेकिन यही असली आर्थिक नीति है। इसके बिना हमारे देश में इकोनॉमी वापस पटरी पर नहीं आ सकती है। आज का एपिसोड यहीं तक।